थी बाहर। और आज अभी हम लोग हैं नांदूरा में, तो आप देख सकते हो पीछे में बहुत बड़े हनुमान जी है, और इधर साइड है बालाजी टेम्पल। और आज मेरे साथ, हम लोग भी मुंबई के लिए निकले हैं गाइस, सुबह 7:30 बजे निकल गए थे, और मेरे साथ है मेरे मम्मी पापा भी आज तो मम्मी पापा भी जा रहे हैं हमारे साथ मुंबई, शेगांव से मुंबई ऑन द वे में। नांदूरा ये एक प्लेस दिखते हैं, वहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है, बालाजी टेम्पल है, और वहीं से आपको इतने बड़े ये हनुमान जी दिखेंगे। सो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो बहुत कुछ कुछ है, आइए देखते हैं। वहाँ पे बालाजी भगवान है, इधर क्या है देखते हैं। ये देखो कितने बड़े शेर सिंह है, लॉयन। यहाँ शिव पार्वती जी है, शिव पार्वती जी है, गणपति बप्पा मोरिया। और यहाँ छोटे गणे भैया भी है, कार्तिकी भी है, विष्णु जी, नारद मुनि जी। और यहाँ पे ना डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एकदम दिखाओ इधर रोड भी है, नेशनल हाईवे। यहाँ इतना प्यारा ये स्कल्पचर बनाए हुए है ना, ब्रह्मा जी। और यहाँ है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती। ये देख सकते हैं, आज भी हमें 12 घंटे की जर्नी तय करनी है। निकले थे हम 7:30-8 बजे, और अभी रात के हमको बजेंगे 9 घर पहुँचते तक, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना ही पड़ता है। तो चलिए अभी निकलते हैं हम लोग मुंबई के लिए। सो गाइस, नांदूरा से निकलने के बाद एक घंटे का सफ़र हम लोग ने किया, उसके बाद थोड़ी सी भूख सी लगने लगी, तो एक ऑन द वे में ही हमें होटल मिला, तो हम लोग ने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। होटल का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैंने और रेवन ने ना उत्तपम मंगवाया था, मम्मी पापा और आयुष भैया के लिए मसाला डोसा, जिसमें से आयुष भैया का मसाला डोसा आ गया था, मम्मी पापा वेट ही कर रहे थे, तो हम लोग भी उनके ब्रेकफास्ट आने का वेट कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग ने सबने साथ में मिलके खाया। ऑलमोस्ट मेरी ये जो रिटर्न वाली ट्रिप है ना, ये मेरी सोने में गई बहुत, क्योंकि ना गाड़ी में मम्मी भी मेरे साथ थी, तो मम्मी खूब सो रही थी, तो मुझे उसको देख देख के ही बहुत नींद आ रही थी, ऐसा होता है। सो अब हम लोग वहाँ से निकल गए, और ये मैंने शाम का वक्त आ गया था, यानी हम लोग मुंबई के पास पास, ये नासिक रोड है, नासिक से हम लोग मुंबई होते हुए जाते हैं, तो बस तभी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया, क्योंकि पूरा टाइम मेरा सोने में चले गया था। तो अब बस रात हो गई थी, हमें 8:30 तो बज ही चुके थे, बट फिर ना हम लोग सोचे कि बाहर अब खाना नहीं खाते, क्योंकि 3 दिन से लगातार बाहर खाना खा रहे थे ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था बाहर खाने का, तो फिर मैंने घर पे आके ही खाना वगैरह खा लिया। और ना शाम के वक्त मुंबई बहुत ही मस्त दिखती है गाइस, सो आप देख सकते हो इतनी सारी लाइटिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने कैप्चर। सो शेगांव से आने के बाद पूरे 2 दिन बाद मैं ये व्लॉग को शूट कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा आ गए, तो समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चला। और मौसम आप देखो कैसे बना रखा है, बिल्कुल बारिश ही बारिश हो रही है, और बहुत ही मस्त मौसम बना हुआ था। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आपने लास्ट के वीडियोस में देखा कि मैं गई थी शेगांव, और शेगांव से आने के बाद मैंने 1-2 दिन का थोड़ा सा रेस्ट लिया, उसके बाद व्लॉग को फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। और क्योंकि हरतालिका से लेके ना बैक टू बैक इतने सारे चीज़ें होते रहती है, उसके बाद हम लोग को इतना ज़्यादा जर्नी करनी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने 2 दिन का गैप लिया है, और अब फिर से ब्लॉग को मैंने स्टार्ट कर दिया है। सो आज का जो ब्लॉग है ना, मैं काफ़ी लेट शुरू कर रही हूँ, क्योंकि शेगांव में आपने देखा ही होगा कि मेरे मम्मी पापा भी और मेरे सिस्टर्स भी आए थे, बट सिस्टर लोग गए हैं वहाँ से होम टाउन रिटर्न, और मेरे मम्मी पापा आए हैं मेरे साथ मुंबई में। सो थोड़ा सा उनके साथ भी टाइम स्पेंड करी थी, और इन बिटवीन ऐसा हुआ कि हम लोग बहुत ज़्यादा जर्नी करके आए ना, तो पापा की और मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बस वही सब चल रहा था। सो यहाँ है रेवन। हाय रेवन। हाय। क्या कर रहे हो? तो सही टाइम ऑफ
अच्छा मुझे बताते हो आप कि आप काम करते हो. ओहो तो आप मुझे बताते हो कि आप काम करते हो बट आप काम नहीं कर रहे हो, टाइम पास बोल रहे हो सबके आगे. वही तो काम है जो जिससे टाइम पास हो जाए. सो अभी चाय का समय हो गया है, 5 बजने वाले, और मौसम बाहर का दिखाती हूँ. इतने जोर से ना बादल कड़क रहे हैं, गरज रहे हैं और बिजली भी कड़क रही है. सो दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम. और मम्मी बना रही है अभी मेरी चाय. आज उसे थोड़ा ठीक लग रहा है ना, तो वो बार बार काम करने के लिए मचल रही थी किचन में, तो मैंने कहा चलो बना लो आप चाय. तो चलिए अभी मैं आपको बाहर का मौसम. सो मैं आ गई हूँ किचन में. ओह किचन में मम्मी, इधर पानी. हाय मम्मी. बाय. चाय चले जाएगा, चाय चले जाएगा, चाय. तो मम्मी के हाथों की गर्मा गर्म चाय मुंबई में हमेशा मैं मिस करती हूँ गोंदिया में. आप क्या देख रहे हो मम्मी? तो आप और ये सारा देखो, अभी घर पे मेड नहीं आ रही है ना 2-4 दिन से, तो सारी चीज़ें हमने बर्तन करके यहाँ रख दिए. और मम्मी देखो ये सारी चीज़ें करती है. तो मम्मी आपको मुंबई में आके कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया. पक्का? पक्का पक्का. अच्छा लग रहा है नए वाले घर पे. ये है देसी माता. हाँ चाय बना रही है मम्मी. अब जाते हैं पापा की ओर. तो हाय पापा. आज पापा को हाय कर रही हूँ. और देखिए बादल और बिजली कितनी कड़क रही है. इधर है पापा. पापा की तबीयत थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव की वजह से ख़राब हो चुकी थी. अभी आप कैसे फील कर रहे हो पापा? बढ़िया. अच्छा थोड़ा सा आवाज़ में गड़बड़ है ना. ओ बादल भी. और मुंबई में अच्छा लग रहा है आपको? ये नए वाले घर पे फर्स्ट टाइम है. इसके पहले मेरी दीदी आई थी और अभी मम्मी और पापा है ना पापा. ये आप बोल दो लाइक करो इस वीडियो को. इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी. यस. सो गाइस मौसम देखिए कितना ख़राब हो रखा है. इतनी बारिश, बादल और जो बिजली है ना ये बहुत कड़ाके की हो रही थी. और थोड़ा सा टॉप फ्लोर में रह जाओ ना तो बहुत ऐसे झटके लगे जैसा लगता है. और बहुत डर भी हमें लग रहा था, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी हो रहा था. सो गाइस ये था मेरा व्लॉग शेगांव से. मम्मी पापा के साथ मैं रिटर्न आई मुंबई. सो ये था छोटा सा कट किया हुआ वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइस. लाइक आप लोग नहीं करते हो, बहुत कंजूसी करते हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए. चैनल पे नए हैं अभी तक के, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़.